गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पार्ट एक स्टूडेंट लाभकारी पौधे। हमने लेक्चर वन और लेक्चर टू में स्टूडेंट्स लाभकारी पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। पौधे हमारे लिए उतने ही आवश्यक है जितने की हवा और पानी। पौधों से हमें ताज़ी हवा मिलती है जिसे हम सांस लेते हैं। स्टूडेंट्स, पौधे से हमें भोजन प्राप्त मिलता है। हम भोजन में जो भी खाते हैं वो अधिकांश मात्रा में हमें पौधों से प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, लेक्चर थ्री में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर टू किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री, सही वाक्य के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। आज हम क्वेश्चन नंबर थ्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। सबसे पहले है क, पौधे हवा को ताज़ा एवं साफ करने में सहायक है। तो ये क्या सही है? जी हाँ, पौधे हवा को साफ करने में सहायक है, तो आप इसके ऊपर सही का निशान लगाएंगे। ऐसे ही स्टूडेंट्स, पौधों से प्रदूषण फैलता है। क्या फैलता है? क्या पौधों से प्रदूषण? नहीं, बल्कि पौधे तो हमारी वायु को साफ करते हैं, तो हम इसके आगे लगाएंगे गलत। ठीक है, अब इसके आगे है ग, पौधों से हमें अनाज फल मेवे मसाले आदि मिलते हैं। क्या मिलते हैं? क्या? हाँ जी हाँ, ये पौधे से हमें अनाज फल मेवे मसाले आदि किससे मिलते हैं? हमें पौधों से मिलते हैं। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो हम इसके ऊपर सही का निशान लगाएंगे। फिर है, पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। नहीं, पौधे ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं। तो ये वाक्य गलत। फिर है यह, पौधों से ईंधन एवं फर्नीचर के आदि प्राप्त होता है। पौधों से हमें ईंधन, जिससे हम चूल्हा जलाते हैं, गांव में देखा होगा औरतें चूल्हा जलाती हैं, उसमें लकड़ियां कहाँ से मिलती है? हमें पौधों से प्राप्त होती है। फर्नीचर, जो हमारे घर में बेड सोफा अलमीरा वगैरह जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई होती है? लकड़ी से। तो वो लकड़ी कहाँ से मिलती है हमें? पौधों से। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसके आगे भी आप सही का निशान लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से ही है, आप अपनी कॉपी में करेंगे। फिर इसके बाद में करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब अपन क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहले है क, हमारे भोजन में अधिकांश भाग कहाँ से प्राप्त होता है? हमारे भोजन का अधिकांश भाग हमें कहाँ से प्राप्त होता है? फिर हम लिखेंगे, हमारे भोजन का अधिकांश भाग हमें पौधों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पौधों से। हमारे भोजन का अधिकांश भाग पौधों से प्राप्त होता है, ये आप इसका उत्तर लिखेंगे। स्टूडेंट, ये आप लिखेंगे और फिर इसको याद भी करेंगे। स्टूडेंट, अब अपन लेक्चर फाइव में इसके आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, और अच्छी अच्छी राइटिंग में आप ये वर्क करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।